आज की हमारी इस वीडियो में हम एक ऐसे खूंखार शिकारी एक ऐसे दैत्य की बात करने वाले हैं, जो कि मॉडर्न डे साइबेरियन टाइगर को भी बौना बना देता है। हम बात कर रहे हैं नगेंगडोंग टाइगर की। लेकिन आखिर क्या एक नगेंगडोंग टाइगर एक जायंट चीता का सामना कर सकेगा? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम जायंट चीता और नगेंगडोंग टाइगर की जानकारी को जानने वाले हैं। इसलिए आप हमारी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जायंट चीता की। जायंट चीता एक मांसाहारी प्राणी है जो कि फेलिडे परिवार से संबंध रखता है। जायंट चीता यूरेशिया के अर्ली प्लाइस्टोसेन युग से लेकर लेट प्लाइस्टोसेन के युग तक पाए जाते थे। इनका लेंथ 2 मीटर तक का होता था, वहीं इनका हाइट 100 सेंटीमीटर का होता था। बात की जाए इनके वजन की तो ये 90 किलोग्राम तक वजनी हुआ करते थे। विशाल कई चीता बड़ी बिल्लियों की एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति है। आज के समय में इसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार आधुनिक रूप से चीते हैं। जायंट चीता की जीवन शैली और शारीरिक विशेषताएं बिल्कुल एक चीता के समान ही थी। ये आज के समय के चीते के आकार से लगभग दुगना बड़ा और शक्तिशाली हुआ करता था। जायंट चीता एक काफी फुर्तीले जानवर हुआ करते थे। विशाल कई चीता जर्मनी, फ्रांस, चीन और भारत में भी पाए जाते थे। बात करें इनके बाइट फोर्स की, तो क्योंकि आज के समय के चीते का बाइट फोर्स 450 PSI तक का होता है, इसलिए जायंट चीता का बाइट फोर्स 1000 PSI के आसपास हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें नगेंगडोंग टाइगर की, तो नगेंगडोंग टाइगर इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रोविंस के सोलो रीजन में पाया जाता था। सोलो रीजन में ये टाइगर जनरली सोलो रिवर की घाटी में घूमा करता था। नगेंगडोंग टाइगर लगभग 1,90,000 साल पहले लेट प्लाइस्टोसेन इपोच में इस धरती पर विचरण करता था। नगेंगडोंग टाइगर का एवरेज वेट 290 से 350 किलोग्राम के बीच होता था। वहीं इनका लेंथ 4.1 मीटर यानी कि करीबन 13.5 फीट हुआ करता था और वहीं इनका शोल्डर हाइट करीब 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट हुआ करता था। नगेंगडोंग टाइगर मिड टू लार्ज साइज प्रे हैंडल करता था, जिसमें बोविड, यंग एलिफेंट, राइडो जैसे जानवर शामिल होते थे। इतने विशाल शिकार को धराशायी करने के लिए असीम शक्ति की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए इस टाइगर को इतना विशाल होना पड़ता था। बात की जाए इनके बाइट फोर्स की, तो नगेंगडोंग टाइगर का बाइट फोर्स 1350 PSI तक का होता था। और अब इन दोनों से जुड़ी सभी जानकारियों को जानने के बाद हम ये जानते हैं कि एक जायंट चीता और नगेंगडोंग टाइगर की लड़ाई में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित होगा। तो इन दोनों से जुड़ी सभी जानकारियों को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस लड़ाई में नगेंगडोंग टाइगर की जीत होगी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमने आपको जायंट चीता और नगेंगडोंग टाइगर से जुड़ी जानकारियों के बारे में बताया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें।